अस्सलाम वालेकुम, मैं रफी सर, केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये टॉपिक जो है ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया है, क्योंकि लास्ट टाइम हम एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कह लीजिए, या आप कहीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स। सो दैट्स मैं लिखूंगा यहाँ पे, सिंपली आई कैन से दैट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स। ये जो टॉपिक है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा, बिकॉज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री जो है इसका ये एक पार्ट जो है कि कैसे हमारे जो यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे फिलअप होते हैं। सो इसको सिंपली हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम्स, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मुराद, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब बड़ा ये है दैट्स हमारे ऑर्बिटल्स जो है इसमें हम किस तरह से हम दैट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, किस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहां पे, दैट मींस किस तरह से हम ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दैट मींस यहां पे एक बात याद रखना बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहां पे, जब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके पास दो स्टेट्स रहते हैं, एक स्टेट को हम सिंपली कहते हैं दैट्स कॉल्ड द लवर एनर्जी स्टेट। ये लवर एनर्जी स्टेट जो होता है ये सबसे स्टेबल स्टेट रहता है। सो लवर एनर्जी स्टेट मींस ये सबसे स्टेबल स्टेट होता है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। So, इसका मतलब ये है, जब तक एक इंसान, अगर हम लेंगे, जब तक वो एक नॉर्मल स्टेट में रहता है, जब तक उसको गुस्सा नहीं आता है, वो बड़े उसकी जो एनर्जी होती है सबसे कम होती है और उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। वही ये शरारत खसांच, ये एनर्जी गैन करांच, ये वही इलेक्ट्रॉन वथान, ये ग्राउंड स्टेट पर वथान, ये किसान गोबर मून हायर एक्साइटेड स्टेट, उसको हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड द एक्साइटेशन स्टेट। So, इस इलेक्ट्रॉन के पास दो स्टेट्स रहते हैं। सो दैट मींस यहां पे दोनों, अगर आप देखोगे दोनों स्टेट्स में एनर्जी का यहां पे डिफरेंस है। जो पहला स्टेट जो है, आई कैन से सिंपली जो एक नॉर्मल स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, और ये ग्राउंड स्टेट जो है ये लवर एनर्जी स्टेट है। सो अभी मैंने एक एग्जाम्पल दे दी, मान लो एक बंदा जो है जब तक वो एक नॉर्मली बिहेव करता है तो ये ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी कम है, लेकिन एनर्जी कम होने का मतलब है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो यहां पे, लेकिन जब ये एनर्जी गेन करता है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो ये दूसरी स्टेट में चला जाता है, उस स्टेट को हम कहते हैं दैट्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू, उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन स्टेट। लेकिन एक बात बड़ा याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन तब तक एक्साइटेशन स्टेट में नहीं जाएगा। सो एक्साइटेशन स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब ये कुछ एनर्जी गेन करेगा। याद करो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अगर आप देखोगे जब तक नहीं ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी गेन करेगा, हंग मंगेशन शरारत खसान इंसान उसकी, यूतानी इंसान उकसान यमान। सो दैट इज लवर एनर्जी स्टेट जो है दैट्स कॉल्ड चनानिस ग्राउंड स्टेट, और ये स्टेट जो होता है ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट रहता है। ये एक्साइटेशन स्टेट जो होता है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आप देखोगे जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हम नॉर्मल स्टेट्स की बात करेंगे, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इन साथ एनर्जी गेन करान लाइक सनलाइट वगैरह, सो दैट मींस ये हायर एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है, एट द टाइम इसकी एनर्जी डिफरेंट रहती है। सो एक्साइटेशन स्टेट याद रखना, ये स्टेट जो होता है इस वारिया कम, इसकी जो लाइफ होती है अपना शॉर्ट स्टेट इसलिए कहते हैं बिकॉज एमिक टाइम आसान टाइम लाइक वारिया कम आसान, या इलेक्ट्रॉन चुन ज्यादा स्टेट्स में रोजान कहें वोचान आम इंसान भी वो तो तेम सुन ज्यादा कल शरारत रोजान कहें आखिरकार ग्राउंड स्टेट्स में वापस इवान। अगर इस
स्टेबल स्टेट स्टेट गाद गुबर यह स्टेबल स्टेट आन अत मेस बेचैनी इलेक्ट्रॉन यह इलेक्ट्रॉन वन कर यह एनर्जी लॉस यह एनर्जी वनकस लूज करान यह एनर्जी लूज करान इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन और यह एक्साइटेशन स्टेट मानते यह इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन स्टेट यह वार वार और वसान वसान यूस शरारत वसान तो यहां पे एनर्जी जब लॉस करता है तो बड़े ग्राउंड स्टेट में वापस पहुंच जाता है। सो दैट मींस यहां पे याद रखना एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पे दो स्टेट्स रहते हैं और गो लोअर एनर्जी स्टेट सारियों में स्टेट इसे डिस्कस करो साथ लोअर एनर्जी स्टेट एंड साथ नॉर्मल स्टेट्स में आसान तेम साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आसान मगर वनकस क्या गए याद थोन ग्राउंड स्टेट यह ज्यादा स्टेबल स्टेट आसान स्टेट रहा 10^8 सेकंड्स यानी कि वह कम अतान टाइम क्या तेम पन वापस ग्राउंड स्टेट्स में वनकस वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेखान खबर तेज ये पता कि वनकस इलेक्ट्रॉन यम इलेक्ट्रॉन्स वनकस लेखान दपान हमेशा लेखान यम ऑर्बिटल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नीतो नमो यह वन ऑर्बिटल अत मन इलेक्ट्रॉन रोजान अम रोजान हमेशा अपोजिट स्पिन मज क्यों क्योंकि आप लोगों को पता है फिजिक्स आप लोगों ने अच्छी खासी से पढ़ा होगा यह गो नॉर्थ पोल यह गो साउथ पोल यह गो साउथ यह गो नॉर्थ। सो यहां पर अगर आप देखोगे रिपल्शन से बचने के लिए सो दैट मीन्स ताकि इस रिपल्शन तुम पता ज्यादा वैल्यू दिन लोवेस्ट वैल्यू आज इलेक्ट्रॉन गई एंट्री मारान गोड़े तूर। सो यहां पर अगर आप देखोगे दैट इज वन क्या वन विकस बना एनर्जी डायग्राम थो तुम गुबर मोन अद सो डायग्राम गजाम वारकार फॉलो करें सो इनशाला तो अति फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेखन ठीक है बेटा। सो यहां पे दैट्स बना एनर्जी डायग्राम सो करो तुम एग्जाम फॉलो सो दैट इज यहां पे 1s दैट्स 2s 3s 4s 5s 6s सो इसी तरह से दैट्स 7s यहां पे दैट्स बोर्ड थोड़ा लगते पान सो इसके बाद नेक्स्ट सो 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s ये किस तरह याद वन पीच ना एग्जिस्ट कर सा सो इसके बाद यहां पे 1s 2s उसके बाद आएगा दैट्स 2p ठीक है बेटा। सो 2p 3p 4p 5p 6p यहां पे दैट्स व्हेन कैन यू चेंज दिस ये गो ये 1s 2s उसके बाद बड़ा आएगा सो दैट्स दैट्स 1s 2s दैट्स 2p इसके बाद आएगा दैट्स 3p इसके बाद आएगा 4p इसके बाद आएगा दैट्स यहां पे 5p। सो यहां पे ये जो रूल्स है ये रूल्स बड़ा आपको दैट्स फॉलो करने हैं ये रूल जो तय सारी फॉलो करें। सो दैट्स ये मैंने एनर्जी डायग्राम यहां पे बनाई ये बनाऊ मैं एनर्जी डायग्राम ये एनर्जी डायग्राम तुम याद था। सो उसके बाद यहां पे दैट्स इट्स 3d सो यहां पे दैट्स 3d पद गो 4d सो इस तरह से दैट्स 5d सो दैट्स 3d 4d 5d 6d 3d 4d दैट्स 5d एंड 6d। सो यहां पे 1s 2s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 6d इसके बाद बड़ा आता है हमारा 4f 5f 6f सो दैट्स 4f 5f 5f एंड नेक्स्ट दैट्स 6f। सो यहां पे अगर आप देखोगे दैट्स हमें किस ऑर्डर में लिखना है सो अभी मैंने बताया हमें लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप लिखोगे तो सबसे पहले आप क्या बड़ा लिखोगे घटने से लिखोगे सो दैट इज यहां पे इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में दैट सबसे पहले आएगा 1s उसके बाद क्या आएगा बेटा उसके बाद आएगा 2s उसके बाद हम देखेंगे 2s 2p 3s। सो यहां पे अगर आप रूल लगाओगे गवर्नमेंट रूल थे जो तो याद सो उतना कोई रूल आज सो दैट इज यहां पे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7 2p 3p 4p 5p 6p सो दैट्स सो यहां पे दैट्स इस तरह से ये फॉलो करेंगे हम क्योंकि गवर्नमेंट इज फॉलो सो यहां पे 4 5 6 ये आप फॉलो करोगे इस तरह से ठीक है बेटा। सो यहां पे अगर आप देखोगे गोड़ा किस लेखन 2s चाहिए क्या है रूल वन में था 1s 2s 2p 3s पति लेखन 3p 3d पद को सो दैट्स 4 4s 4p सो ये रूल
चलता जाएगा यहां। ये सिर्फ ये डायग्राम तक फॉलो करें, ये डायग्राम थवन याद, ये गवर्नमेंट डायग्राम फॉलो करें। सो ये डायग्राम यूँ फॉलो करान गोडनेथ लिख बे जाए 1s। सो ये डायग्राम जब हम फॉलो करेंगे उससे चलो इस वो गोड ये 3p लिखने गोड के इलेक्ट्रॉन 3p एस मस किन गोड के 3d एस मस बोले तो n + l पर रूल नजर आ। सो दैट्स n + l रूल 3 यहां पे, सो n इक्वल टू 3 और यहां पे p जो है ये 1 के बराबर है, 3 + 1 इक्वल टू 4। उसके बाद 3d पे अगर आप देखोगे n इक्वल टू 3 और d जो है d, इसके लिए l का वैल्यू बेटा क्या है, ये तो उस p इसका तो 1 p, उसके बाद d d के लिए बेटा 2। सो दैट्स क्लब जी क्या आ गए 5 होने से इनका मतलब को गॉट गेस इलेक्ट्रॉन 3p एस मस गॉट गेस इलेक्ट्रॉन 3d एस मस। सो दैट इज अगर वुछान चीज वन गोडे 4s मस गोडे 4p एस मस बोली वो कर। सो 4s यहां पे और 4p का कंपेयर करेंगे, सो n इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू 0, सो टोटल n प्लस l वैल्यू 4 यहां पे 4p, सो 4 यहां पे प्लस 1 दैट्स व्हाई। सो इसका मतलब वन जन कैसे गोडे 4s मस बाय 4p। सो तब एक करमी सो कैन फॉलो इट। सो दैट्स यहां पे अगर आप देखोगे इस तरह से हम देखेंगे पुलिशो गोड़ कैसा है 6d एस मस किन प्रोग्रेस ये। सो यहां पे दैट्स अगर आप देखोगे 6d और 5 आपका कंपेयर करते हैं ठीक है बेटा। सो यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे n 6 के बराबर है और l जो है यहां पे दैट्स d 2 के बराबर है। सो 6 दैट्स 8 और यहां पे 5 f 5 + 3 = 8। सो यहां पे फंस गए। सो दैट्स यहां पे 8 और 8। अब मैंने पहले ही कहा है जहां पे n का वैल्यू कम होगा, सो n का वैल्यू है इसका मतलब है पहले 5f में जाएगा उसके बाद 6d में इलेक्ट्रॉन जाएगा। सो इसका मतलब ये है ये रूल आपको फॉलो करना है, इस रूल को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द अब्बा प्रिंसिपल। सो अब्बा प्रिंसिपल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लोग लिखते हो, सो दैट इज ये रूल हमें फॉलो करना पड़ता है, ये रूल चाहे फॉलो करूं। सो दैट इज यहां पे 1s, उसके बाद बड़ा आएगा 2s, सो इसके बाद बढ़ते ही जाओगे। सो दैट्स 1s 2s 2p 3s, सो दैट्स 2s, उसके बाद इस तरह से 3p एंड सो ऑन ठीक है बेटा। सो यहां पे अगर आप देखोगे ये सारा जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा जाएगा। सो दैट मींस ये टुडे वी कैन सी गो ऑफ रूल, सो दैट वी कैन गो बरे में फॉलो करन, ये रूल चीज फॉलो करन। सो दैट मींस यहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, हमारे पास टाइम नहीं होता है इसीलिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आगे हम डिस्कस करेंगे फिर हमारे मिला।